हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 22 दिसंबर 2021 और फाइनली 2021 एंड होने वाला है, कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। तो फाइनली अपने कॉलेज में अब स्पोर्ट टेक स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सब कॉलेज लग रहा है, एकदम चहल पहल सी हो रखी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके की चहल पहल है स्पोर्ट टेक में, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको और इन्जॉय करिए। खो खो हो रहा है, इधर देख सकते हो क्या मस्त। तो ले चलते हैं उधर भी, दिखाते हैं किस तरीके से हो रहा है फिलहाल खो खो। तो फिलहाल दोस्तों इधर खो खो का सीन चल रहा था, अब आगे चलते हैं, थोड़ा वॉलीबॉल के साइड चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन हो रखा है। और काफ़ी भीड़ सी लगी पड़ी है इधर, तो वो भी आगे से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ फिलहाल आई थिंक वॉलीबॉल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे सब नेट वगैरह लग ही रहा है। तो फर्स्ट डे फिलहाल 3 दिन का चलता है स्पोर्ट टेक वगैरह, तो चीज़ें चल रही हैं। ओहो, उधर भी कुछ हो रहा है, चलते हैं उधर भी लेके आपको और देखते हैं उधर क्या। तो फिलहाल दोस्तों अभी पता चला यहाँ पे फुटबॉल हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, मतलब फुटबॉल देखने वाले ज़्यादा हैं अपने कॉलेज में। हालांकि जो बाहर से लोग रहते हैं मोस्टली नेपाल या फिर इंडिया के ईस्ट साइड के लोग, मणिपुर साइड के, तो उनको काफ़ी पसंद होता है फुटबॉल वगैरह। तो यहाँ पे फिलहाल एक टीम की प्रैक्टिस चल रही है आई थिंक, और इधर हो रखा है, दिखाते हैं पास चल के। ओहो, श्रवण भैया, वरुण भाई यहीं पे हैं। ओ ब्रो, हम यहीं हैं, टेंशन ना लो, हम यहीं हैं। ये हैंड हो गया क्या? आई थिंक हैंड हो गया है यहाँ पे। ओहो, ये गोलकीपर को कैच कैच खेल रहे हैं भाई। अरे कैच कैच नहीं, गोलकीपर अपने आप यहाँ इंजरी हो गई है कुछ फिलहाल। ब्रेक
कुछ इंजरी से हो रखी है। दोस्तों फुटबॉल का मैच भी काफी लंबा होने वाला है तो पूरा मैच तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके का स्पोर्टिक यहाँ इवेंट हो रहा है। देख सकते हो भीड़ देखो भाई, अलग ही उत्साह है लोगों के अंदर। तो अभी हम चलते हैं। और एक और बात, अभी जो वॉलीबॉल वाला कोर्ट दिखाया, फिलहाल मैच हो चुका था, मेरी आज ट्रेनिंग थी तो थोड़ा लेट में मैं आया ट्रेनिंग से छूट करके, मतलब तब तक काफ़ी ज़्यादा मैचेस ख़त्म हो चुके थे। तो फिलहाल वॉलीबॉल का मैच हो गया है और बाकी यहाँ पे आपका फुटबॉल हुआ, क्रिकेट का भी मैच होगा और बास्केटबॉल का भी हो रहा है। तो चलते हैं उधर भी, आपको दिखाते हैं किस तरीके का मैच हो रहा है। तो बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुँच चुके हैं तो इधर चल रहा है, बाकी मेरे को तो ज़्यादा रूल्स वगैरह पता है नहीं। ओहो क्या बात है, ओहो क्या बात है। तो ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी लेट था तो मेन मैचेस छोड़ दिए, तो अभी कुछ मैचेस हो रहे थे तो वो मैं आपको दिखा दिया। अभी और भी क्या क्या है, हालांकि आई थिंक बैडमिंटन वगैरह का भी होगा मैच, और भी काफ़ी मैचेस हैं तो कोशिश करूंगा सारा कवर करता हूं, दिखाता हूं किस तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों भीड़ देख सकते हो कॉलेज में, जहां देखो वहां पे क्राउड है, तो काफ़ी मज़ेदार माहौल सा हो रखा है कॉलेज में। दोस्तों हॉस्टल के अंदर भी बैडमिंटन का मैच चल रहा था, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स का मैचेस चल रहे थे और बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ के। आज फिलहाल दूसरा दिन है स्पोर्टेक का और चल के दिखाते हैं, खो खो की टीम आ चुकी है फिलहाल और गर्ल्स का भी हो रहा है मैच, तो वो भी दिखाते हैं आपको। वार्डन सर भी यहाँ पे, HODs वगैरह भी हैं प्रॉपर, इधर भी भीड़ सा हो रखा है। तो दोस्तों आज फिलहाल है सेकेंड डे स्पोर्टेक का और मैं ऐसे ही टहलने निकला था तो देखा कि काफ़ी चहल पहल सी हो रखी है, हालांकि मैं इतना फील्ड पे नहीं हूँ एक्टिव, मतलब जैसे क्रिकेट हो गया ये सब स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रखता हूँ, लेकिन इन्जॉय करता हूँ भाई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल क्रिकेट हो रखा है पीछे देखो हो रहा है, तो इसमें भी टीम्स हैं। देखो ये स्पोर्टेक में क्या होता है ना कि बाहर से भी टीम आती है, जैसे अदर कॉलेजेस से उत्तराखंड की टीम आएंगी, हमारी टीम आएगी, तो सबका आपस में भी होता है, इंटर और इंट्रा लेवल पे होता है। तो दिखाता हूँ आपको फ्रंट साइड से भी किस तरीके का है और कौन कौन देख रहा है इसे। और दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा था तो आज मैं फिलहाल रिकॉर्ड कर लिया हूँ, तो यहाँ देख सकते हो वॉलीबॉल का भी मैच चल रहा है, जस्ट हॉस्टल के सामने ही है वॉलीबॉल कोर्ट। क्या हो गया इनको, ओहो यहाँ पे फिलहाल कबड्डी चल रहा है तो दिखाते हैं कबड्डी भी, काफी भीड़ रखी है इधर भी, तो देखो और पास से दिखाते हैं किस तरीके का मैच चल रहा है। निकाल ले साइड, इसको निकालो भाई,
लाइब्रेरी के सामने जस्टियरा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के सामने ये है स्वर ऑफिस और यहाँ पे चल रहा है चेस का मैच फिलहाल, तो चल के वो दिखाते हैं आपको। इंडोर में भी कुछ गेम्स हैं जैसे चेस, कैरम, ये सब भी हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको किस तरीके का हो रहा है इधर। आज है तीसरा दिन स्पोर्टेक का और अभी सुबह से मैचेस हो रहे थे, तो फाइनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ रहा है, तो अब पता चलेगा विनर कौन कौन सी टीमें थी। बाहर से भी हुआ था, जो इंट्रा और इंटर स्पोर्ट्स थे उनका भी रिजल्ट अभी पता चलेगा आप लोगों को, तो वो भी अब दिखाता हूँ आपको और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सी टीमें जीती हैं। तो लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं विनर टीम। और ये थोड़ी देर पहले जस्ट क्रिकेट का मैच खत्म हुआ है और उसमें CSC और मैकेनिकल के बीच मैच था RIT के अंदर ही, तो उसमें CSC हार गई, जो कि हालांकि मेरा ब्रांच है, लेकिन मैकेनिकल जीत गई। काफ़ी रोमांचक मैच था और मज़ा भी काफ़ी कुछ आया और काफ़ी सही सा था मैच। दोस्तों देख सकते हैं विनर टीम अपनी यहाँ की, तो बहुत बुरा लगता है CS हार गया। आप लोग जीत गए भाई, जीत गए, ये सही है। पीछे का व्यवस्था दिखाता हूँ जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो कुछ इस तरीके का, और फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। सिटिंग फॉर द VIPs। तो दोस्तों ये RIT की टीम थी जो कि जीत गई है फुटबॉल में। तो दोस्तों फाइनली क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, तो दिखाते हैं आपको उसके बाद। One good dance to bring back thousands of good old memories. Are you excited to see a brilliant dance performance done by Sakshi and his group? Hence, let's enjoy the dance performance. Sakshi, please come. Thank you.
runner-up of the competition, that is Sri Darwal and his team. Now the time for the badminton singles, and the runner-up is going to RIT Personal Party. From Motherhood University, the winners of volleyball. Let's welcome the captain and team for Nikhil, Akash Pandey, Sundar, Rajkan CSC. Thank you, everyone.